एग्रो इनकम के बाद हमारा अगला चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्रो इनकम का हमारा वो आंख मीच के पढ़ने वाला एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी तो भी उसी डार्क साइड पे चल रहे हैं। कुछ मत हो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो यदि आपको कॉपी पर आ जाए, हो सकता है आपको अपनी कॉपी नजर आ जाए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने टॉपिक स्टार्ट किया सेक्शन 22 से। सेक्शन 22 में हमने पढ़ा एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज यूज फॉर इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। एनुअल वैल्यू मतलब इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस, दूसरी भाषा में बोलो तो अपॉर्चुनिटी इनकम ऑफ द हाउस, तीसरी भाषा में बोलो तो नोशनल इनकम ऑफ द हाउस, चौथी भाषा में बोलो तो यदि वो हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे देते तो क्या रेंट मैक्सिमम आ सकता था, उसको हम लोग बोलेंगे एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मींस लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल, इट मे और मे नॉट हैव अ रूफ, स्पेशली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का तो रूफ के बिना इमेजिनेशन नहीं बनता, बट कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी में रूफ के बिना भी हाउस प्रॉपर्टी वो माना जाता है। तो हाउस प्रॉपर्टी मीन्स लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल और इट मे और मे नॉट हैव अ रूफ एंड एनी लैंड अपर्टिनेंट टू अ हाउस प्रॉपर्टी शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पार्ट एंड पार्शल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर, यहां पे ओनर सिग्निफाई कर रहा है यदि आप ओनर है तब तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएंगे, और यदि आप ओनर है ही नहीं टेनेंट है तो भैया आपकी ये जो सबलेटिंग करके इनकम आई ना ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, क्योंकि ये हेडर तो सिर्फ ओनर के लिए बनाया गया है। एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर, ओनर यहां पे मतलब लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर। लीगल ओनर मतलब तो वो बंदा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, बेनिफिशियल ओनर मतलब वो बंदा मतलब जिसके नाम पे भले ही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है बट ही हैज ऑल द राइट्स ऑफ ओनर, ओनली फ्यू लीगल पेपर आर डेफिशियंट। Annual value of a house property is taxable in hands of owner if property is not used for own business and profession. यानी इस हेड में taxable होने के लिए ये mandatory है कि आप अपनी property को business and profession में use ना करें। If you are using the property for your own business and profession, तो फिर वो property PGBP head में taxable होगी, ना कि house property head। और कब बोला जाएगा प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस, यदि कोई भी प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में सपोर्ट करती है तो हम लोग बोलेंगे द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। इंट्रो हमने कर लिया, एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी में आप अपना बिजनेस करते हो वो जाएगा पीजीबीपी, जो प्रॉपर्टी में आप अपना बिजनेस नहीं करते वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस रिगार्ड में दो बातें और ध्यान रखना, यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का बिजनेस ही है तो भैया जी यदि आपका ये मेन बिजनेस है तो ये पीजीबीपी हेड में जाएगा, और यदि आपका ये साइड बिजनेस है तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करके बेचने का काम है, यू आर इंगेज्ड इन प्रमोटिंग अ हाउस प्रॉपर्टी, तो जो हाउस प्रॉपर्टी आपने प्रमोट करके बेच दी वो तो आपका पीजीबीपी इनकम, क्योंकि रेंटल इनकम आया ही नहीं। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने बना के बेच नहीं पाए, द प्रॉपर्टी इज लाइन एज स्टॉक इन ट्रेड, तो उसके लिए हमारा लॉ ये बोलता है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के एंड से दो साल तक उसकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन दो साल के बाद भी यदि उस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं पाए, द प्रॉपर्टी इज लाइंग एज स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर उसकी डीम्ड इनकम, उसकी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। और इन दो साल को जो हमने आपको रिलैक्स किया है, कौन से दो साल, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के एंड से दो साल,
ये जो हमने आपको रिलैक्सेशन पीरियड दिया है, उस पीरियड में आपने उस प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगा दिया, तब तो भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएंगे। तो रेंटल इनकम फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड डीम्ड रेंटल इनकम मतलब एनुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दो साल तो एग्जम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 22 के बाद हम लोग चलते हैं 23 में। 23 में टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, जैसे 23(1) में लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, 23(2)(a) में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, 23(2)(b) में अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, 23(3) में पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, 23(4) में डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आप सभी जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी एक फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, तो पहले दिमाग में फॉर्मेट छापो। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शंस और फिर 24B का इंटरेस्ट अमाउंट। अब स्टार्ट करते हैं जीएवी से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लोग ने तीन स्टेप में निकालना सीखा। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू of a rent whichever is higher. However, reasonable expected rent cannot exceed standard rent. The point is that calculate actual rent receivable. Actual rent receivable मतलब आपकी rent क्या है? Rent per month. उसमें से cost of amenities यदि आपने कुछ tenant को दिया है तो वो minus कर लीजिए, ये net rent आ गया, multiplied by number of month property is actually let. ये हो गया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। इसमें से आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर दीजिए। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, दो मिनट बाद बात करेंगे। तो पहले स्टेप क्या हुआ, आरईआर रीजनेबल एक्सपेक्ट रेंट, दूसरा स्टेप क्या हुआ, एआरआर माइनस अनरियलाइज रेंट, तीसरा स्टेप इन दोनों में से स्टेप वन और स्टेप टू विच एवर इज हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप फोर खास है, स्टेप फोर ये बोलता है इफ स्टेप टू इज लेस देन वन because of vacancy period, then step 2 will be treated as heavy. If ARR minus UR is less than reasonable expected rent because of vacancy period, then ARR minus UR shall be treated as gross annual value. अब एक-एक करके वापस से सारी बातें करें। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं gross municipal value किसे कहेंगे। तो भैया देखो, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, इन चार सिटी में जीएमवी एनएमवी का डिफरेंस है। बात बात ही किसी सिटी में जीएमवी एनएमवी का कोई डिफरेंस नहीं है। यानी यदि आपकी प्रॉपर्टी हावड़ा में है, फरीदाबाद में है, जयपुर में है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नेट म्युनिसिपल वैल्यू आर सेम। लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो जीएमवी एनएमवी में एक रिलेशन है, वो रिलेशन याद रखिए, 90% ऑफ एनएमवी इज इक्वल टू, तो दोबारा बोलूंगा, 90% ऑफ जीएमवी इज इक्वल टू एनएमवी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स। 90% ऑफ जीएमवी इज इक्वल टू एनएमवी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स। तो यदि आपको जीएमवी दिया हुआ है तो एनएमवी निकाल लीजिए, एनएमवी दिया हुआ है तो जीएमवी निकाल लीजिए बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। 90% of GMV is equal to NMV plus water tax plus service tax. ये formula लगाते समय municipal tax consider नहीं होता। ये formula लगाते समय हमेशा 90% GMV ही रहेगा। ये formula लगाते समय water tax, service tax पे किया या नहीं पे किया, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये formula municipality वालों का formula है, हमारे income tax वालों का formula नहीं है। आगे बात करें, उसके बाद हमने सीखा फेयर रेंट। तो फेयर रेंट मतलब रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकैलिटी। उसके बाद हमने किया स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। उसके बाद हमने किया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, रेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट। उसके बाद हमने किया अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैड रेंट, मतलब बैड डेट, मतलब वो रेंट जो मेरा रिकवर नहीं हो पाया। तो अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन तभी मिलता है जब आप चार कंडीशन सेटिस्फाई करें। कौन कौन सी चार कंडीशन? पहला, द
एंड टेनेंसी एग्रीमेंट इज बोनाफाइड, द डिफॉल्टर टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, ऑल रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रिकवर द रेंट, ऑल रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू गेट प्रॉपर्टी वेकेटेड। यदि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिल जाए। उसके बाद हम लोग ने किया वैकेंसी पीरियड, तो वैकेंसी पीरियड वो बोला जाता है जिस समय आप उस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, मींस एब्सोल्यूटली वैकेंट, कोई काम नहीं आ रही प्रॉपर्टी, तब हम लोग उसको बोलेंगे वैकेंसी पीरियड। बात लिया, आगे बढ़ते हम लोग, हमने किया जीएवी, जीएवी के बाद आते हैं टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी। टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी में आपको पांच बातें ध्यान रखनी है। पहला, इट इंक्लूड्स म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, पंचायत टैक्स, अर्थक्वेक टैक्स, फायर टैक्स, एनी टैक्स चार्ज बाय द म्युनिसिपैलिटी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। दूसरी बात, ऑल दीज टैक्सेस आर कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल। All these taxes are calculated as a percentage of net municipal value. Number three, all these are allowed on cash basis. आप पे करेंगे तभी आपको deductions मिलेगा। All these must be paid by the owner. If it has been paid by tenant, no deductions. इसमें मेरी opinion ये है, advance municipal tax is allowed. इस पांच point के साथ taxes by local authority finish. अब हम लोग आए NAV, मतलब GAV माइनस टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी इक्वल टू NAV। नीचे आए तो आया क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये हमेशा 30% ऑफ NAV है, लेकिन यदि आपकी NAV निल या नेगेटिव है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो इग्नोर कर दीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल चुका है तो ऑब्वियसली अब आपको रेंट, ऑब्वियसली आपको रिपेयर, एनुअल चार्जेज, ग्राउंड रेंट, इन सब का फिर कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट आया 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के रिलेटेड आप कई सारी बातें बड़ी प्यार से ध्यान से सुनिए। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन एक्रुअल बेसिस। दूसरी बात, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनीवन, आप बैंक से लो, चैरिटेबल ट्रस्ट से लो, भाई से लो, वाइफ से लो, पापा से लो, किसी से भी लो, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा। तीसरी बात, लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रिनोवेशन। इन चार चीज ले लोन लोगे तब तो डिडक्शंस मिल जाएगा, और लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है, और किसी पर्पस ले लोगे तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। लोन का इंटरेस्ट इंक्लूड्स प्रोसेसिंग फी ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स प्रोसेसिंग फी ऑफ द लोन। पांचवी बात, आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होगा 5 सालों में स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होगा अपने अपने सालों में। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे कहते हैं, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स व्हेन द लोन इज टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर। एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट कब होता है, तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके ठीक पिछले साल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होता है। द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इज फुल्ली टेकन एज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो पूरा का पूरा माना जाएगा पोस्ट, तो उससे पहले तक माना जाएगा प्री। प्री का इंटरेस्ट 5 साल में अलाउड, पोस्ट का इंटरेस्ट अपने अपने सालों में अलाउड। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। लोन टेकन टू रीपे द प्रीवियस लोन shall be treated as continuation of the old loan. Loan taken to repay the previous loan shall be treated as continuation of the old loan. इसलिए इस new loan का भी interest allowed होगा, भले ही interest rate बढ़ जाए घट जाए, new loan का भी interest allowed होगा। और loan taken to repay the interest ये allowed नहीं होगा, loan taken to repay the interest नहीं allowed होगा, नहीं तो फिर तो interest on interest आ जाएगा ना, तो allowed नहीं होगा। अगली बात करें, सपोज आपका हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हुआ 50 लाख, अगले साल इंटरेस्ट आ गया 5 लाख, आपने दिया नहीं तो इनकम टैक्स में अलाउड हो गया क्या, हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन एक्रुअल बेसिस। उसके बाद वाला 5 लाख वो भी आपने पे नहीं किया,
तब भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ हो गया। इधर बैंक की चिंता है कि आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़े जा रहा है, आप दे नहीं रहे हो, तो बैंक ने आपको ऊपर लगा दिया एक और इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो जो 5-5 लाख के आपके इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उस पर भी अब इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं होगा। हमने कर लिया जीएबी, हमने कर लिया टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी, हमने कर लिया स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमने कर लिया इंटरेस्ट ऑन की बातें। ये चारों चीज मान ली तो आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो गया। हम लोग आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 23(2)(a). ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलता है, कंपनी फर्म के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 23(2)(a) नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी दो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है जिसमें वो रहता है या फैमिली रहती है, जिसमें वो रहता है या फैमिली रहती है उसको बोल सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होनी चाहिए। वैकेंट भली हो जाए थोड़े दिन के लिए, आपका रहना जरूरी है, लेट आउट नहीं होना जरूरी है। थोड़े दिन के लिए वैकेंट हो तो चलेगा। अब दो हाउस प्रॉपर्टी आप अपनी चॉइस पे किसी भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट 23(2)(a) में ले सकते हैं। ऐसी दो प्रॉपर्टी का एनएवी माना जाएगा नल और इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा एज यूजुअल प्री पोस्ट पीरियड वाला, लेकिन मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होगा 30,000। लेकिन यदि आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होगा 2 लाख इंस्टेड ऑफ 30,000। कौन कौन सी चार कंडीशन? लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99, द लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ परचेज नॉट फॉर रिपेयर रिनोवेशन, एंड कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच मनी वॉज बोरोड। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच मनी वॉज बोरोड एंड द लैंडर सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन। यदि ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख रुपए तक अलाउड हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में दो हाउस प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि दोनों का 2-2 लाख रुपए अलाउड होगा, दोनों मिला के 2 लाख अलाउड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से बाहर निकलते हैं, आ गए हम लोग अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेक्शन 23(2)(b). इसमें बोला हुआ है इफ एन एसएससी हैज अ हाउस मेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन but could not be so occupied because of employment reason. SSC has a house meant for self-occupation but could not be so occupied because of employment reason, then aise ghar ko hum log bolenge unoccupied. SSC had a house meant for self-occupation, could not be so occupied because of employment reason. SSC resides in other's house. SSC kisi aur ke ghar mein rehta hai to hum log bolenge bhaiya fir to ये हो गया आपका अनऑक्यूपाइड हाउस, और ट्रीटमेंट ऑफ अनऑक्यूपाइड हाउस इज सेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपकी दो अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है और दोनों का एनएवी माना जाएगा निल और दोनों मिला के इंटरेस्ट अलाउड होगा मैक्सिमम 2 लाख। मेरे अनुसार, मेरी ओपिनियन में एक एसएससी के पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक अनऑक्यूपाइड नहीं हो सकता। यदि एसएससी के पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक अनऑक्यूपाइड है तो अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को आप मानिए डीम टू बी लेट आउट। लॉ इसमें थोड़ा वेग है लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं 23(3) पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एरिया वाइज टाइम वाइज। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एरिया वाइज बोले तो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ पोर्शन में आप रहते हो, कुछ पोर्शन को आपने लेट आउट किया है, तो लॉ बोलता है फिर इसको आप दो हाउस प्रॉपर्टी मानिए, यूनिट ए यूनिट बी, यूनिट ए सपोज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट बी सपोज लेट आउट। उसके बाद इस प्रॉपर्टी के जितने डेटा है सब डेटा को आप एरिया के रेशियो में यूनिट ए और यूनिट बी में अपोर्शन कर दीजिए। सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और अनरियलाइज रेंट ये दोनों जाएंगे लेट आउट में। बात ये म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट और स्टैंड रेंट और म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सबको आप एरिया के रेशियो में अपॉर्शन कर दीजिए एंड देयर आफ्टर कंप्यूट एज इफ यू आर हैविंग टू हाउस प्रॉपर्टी, यूनिट ए सेल्फ ऑक्यूपाइड और यूनिट बी लेट आउट। सिंपल। ध्यान रखना, यूनिट ए को यदि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया तो आपके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का कोटा है, उसमें से एक कोटा फिनिश क्योंकि आपने यूनिट ए को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया। अब किसी एक ही को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड और मान सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज। ये थोड़ा खास है,
23:3 में पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज तो लॉ बोलता है कि ऐसे में हम आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का कोई बेनिफिट नहीं देते। यानी यदि आपकी प्रॉपर्टी 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड 8 महीने लेट आउट है तो लॉ बोलता है ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, 4 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का कोई बेनिफिट नहीं देते। इसमें पूरी जीएबी मतलब आरईआर 12 महीने का निकाला जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल तो 8 महीने का ही निकलेगा और फिर आपकी जीएबी कंप्यूट होगी और टैक्स कंप्यूट होगा। इस प्रॉपर्टी को मैं खास इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर सम में, कौन सा सम में, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज में यदि फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको एक्चुअल रेंट के बेसिस पे फेयर रेंट निकालना पड़ता है। इसके अलावा मोटा मोटी फेयर रेंट कहीं नहीं निकालना पड़ता, फेयर रेंट या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको दिया रहता है। इस पर्टिकुलर वैरायटी में पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज में यदि फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको एआरआर के ऊपर बेस करके फेयर रेंट निकालना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर कंप्यूटेशन तो एकदम वैसे ही होगा जैसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का होता है। वी मूव टू 23.4 डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था एक एसएससी के पास सिर्फ 2 ही हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, लेकिन सपोज यदि किसी एसएससी के पास 4-5 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो तो वो किसी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है एट हिज चॉइस एट सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट। और डीम्ड टू बी लेट आउट का ट्रीटमेंट सेम एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली इसमें एआरआर नहीं होता तो आरईआर के बेसिस पर आप जीएबी निकालेंगे, फिर म्युनिसिपल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शंस और इंटरेस्ट नॉर्मल। 23.4 के बाद हम लोग आ जाए 24A हो गया, 24B हो गया, 25 में आ जाए डिज अलाउड एक्सपेंडिचर। इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS एंड द पे हैज नो एजेंट इन इंडिया देन द इंटरेस्ट शैल बी डिज अलाउड। 25 के बाद 25AA में आ जाए रिकवरी ऑफ एरियर रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। यदि आपका कोई एरियर रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होता है तो इट शैल बी टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, इट शैल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इवन उस दिन आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी मीनवाइल बेच दी, तब भी ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा और इसमें से कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। इवन लीगल एक्सपेंडिचर टू रिकवर रेंट वो भी अलाउड नहीं होगा, कोर्ट कचहरी के खर्चे भी अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होगा एट द रेट 30%। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एरियर रेंट से बाहर निकले तो हम लोग आ जाए 26 कोनर। कोनर में बोला हुआ है यदि किसी हाउस प्रॉपर्टी के 1 से ज्यादा ओनर है तो सारे ओनर मिलके AOP या BOI की तरह टैक्स नहीं देंगे, रेदर वो सारे इंडिविजुअल सारे ओनर अपने अपने शेयर ऑफ रेंट पे सेपरेटली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स देंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिविजुअल ऑल मेंबर ऑफ द हाउस सॉरी ऑल को ओनर ऑफ द हाउस शैल बी सेपरेटली टैक्सेबल इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, और उस हाउस प्रॉपर्टी का जो भी रेंट आया वो अपने अपने ओनरशिप रेशियो में अपॉर्शन करके सबके हाथ में अपना अपना कंपटीशन होगा। एकेडमिकली बोलूं तो आप पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसको सारे ओनर के ओनरशिप रेशियो में बांट दीजिए। इस रिगार्ड में एक बात ध्यान देने की है, यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है को ओनरशिप है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो हर को ओनर को इंटरेस्ट अप टू ₹2 लाख अलाउड होगा। हर को ओनर को, यदि 4 को ओनर है तो चारों को ओनर 2-2 लाख का मतलब प्रॉपर्टी 8 लाख का डिडक्शन इंटरेस्ट का मिल सकता है, या जितने को ओनर है सबको 2-2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड होगा। को ओनर के बाद हम लोग आते हैं डीम्ड ओनर सेक्शन 27। सेक्शन 27 में बोला हुआ है कि नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनर बट इन द फॉलोइंग 5 cases इवन द SSC इज नॉट द ओनर बट ही विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दीज आर नंबर 1 एन इंडिविजुअल ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। एन इंडिविजुअल ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन लिव इन अपार्ट रिलेशनशिप
लिव इन अपार्ट एग्रीमेंट, मतलब डिवोर्स एग्रीमेंट में यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पड़ा तो बात अलग है, लेकिन ऐसे आप अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को देंगे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो फिर ट्रांसफरर शैल बी ट्रीटेड एज डीड ओनर। दूसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, देन द होल्डर विल बी ट्रीटेड एज डीड ओनर। नंबर थ्री, अ मेंबर ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी वेयर हाउस इज अलॉटेड देंस मेंबरशिप, देन द मेंबर शैल बी ट्रीटेड एज डीड ओनर। नंबर फोर, अ लेसी फॉर मोर देन 12 इयर्स shall be treated as deemed owner. And number five, a member of a housing society, no, a person who has got the possession of the property against part performance of the contract, as per section 53A of transfer of property act, the possessor shall be treated as deemed owner. An individual who has transferred the property against part performance of contract, then the possessor shall be treated as deemed owner. मतलब आपने property का agreement कर लिया, property दे दी, property का possession ले लिया, प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, लेकिन अभी पैसा पूरा नहीं दिया, थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा पैसा देने पर रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन पोजेशन आ गया और थोड़ा पैसा देना हो गया, तो यू बिकम दी ओनर, पूरे इनकम टैक्स में उसको ओनर बोलते हैं। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में दो तीन बातें और है। फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी हो तो भैया फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल इफ एसएससी इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया और इफ द रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। Foreign house property will be taxable as usual, computation as usual, but taxable in hands of ordinarily resident or rent is received in India. दूसरा बात है disputed property. यदि property disputed है तो in that case ये property India में ये property उसके हाथ में taxable होगी जो उस property से benefit derive कर रहा है. And if no one is deriving benefit from the property, then it will be subject to protective assessment. It will be subject to protective assessment. Disputed house property के बाद हमने किया कुछ नहीं, ये chapter finished.